The output of given problem again, इस केस में define किया variable i with initial value of i is 250. जैसे इस प्रोग्राम का execution start हुआ, i के केस में initialization किस हुआ 250 as a integer variables. Next one, मैं sequence mark करना चाहता हूँ, इसको mark करें जो 1, 2 like that. Then इस केस में interesting things क्या हैं? मींस जनरली आपको लगा था स्पेस पर मींस फर्स्ट सेशन में प्रोवाइड होना चाहिए वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं जरूरी नहीं ऑलवेज वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन पास करना पॉसिबल ये सिंपली आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए सबसे पहले चांस किसको मिलेगा इनिशियलाइजेशन प्लेस इनिशियलाइजेशन का नेक्स्ट सेशन कौन सा एग्जीक्यूट होता है कंडीशनल प्लेस के जस्ट बाद टोटल पॉसिबल केस क्या है इफ कंडीशन इज ट्रू अगर कंडीशन ट्रू है देन इस केस में चांस किसको मिलेगा बॉडी ऑफ लूप बॉडी के जस्ट बाद देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और मॉडिफिकेशन सेशन कंप्लीट होने के जस्ट बाद देन कंट्रोल अगेन कंसेंट ऑन द कंडीशन अगर कंडीशन फॉल्स है देन समथिंग एग्जिट प्लेस मींस आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप इस सीक्वेंस को फॉलो करके अगर एग्जीक्यूट कराओ फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन सेशन ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करने नीड होगी इस केस में आई का वैल्यू क्या है 250 देन सिंपली कंपैरिजन कराएंगे एज अ सीक्वेंस 3 250 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स है देन रिजल्ट क्या है इसका 0 इस प्लेस पर 0 तो रिप्लेस हो जाए लेकिन रिजल्ट की ऐसा नहीं इसलिए इस कोड से प्रोग्राम का कोई भी पार्टीशन अफेक्ट नहीं हो रहा लॉजिकली नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस कंडीशनल प्लेस पर कंडीशंस के प्लेसेस पर सप्लाई किया एक्सप्रेशन एज पोस्ट इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस तो आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया हुआ पोस्ट के अकॉर्डिंग पहले रिप्लेसमेंट रिप्लेस क्या करेंगे आई का करंट वैल्यू एज 250 देन इंक्रीमेंट होने से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 251 कंडीशन के प्लेस पर पास किया हुआ नॉन जीरो वैल्यू मीन्स कंडीशन इज ट्रू कंडीशन इस केस में ट्रू है देन कंडीशन ट्रू होने के इसमें कर्सर कंसेंट करेंगे बॉडी पार्ट कैसा है इसका एम्प्टी सीक्वेंस 3 देन 4 बॉडी इज 5 एम्प्टी देन अगेन बॉडी के जस्ट बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन मीन्स 6 प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हुआ लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में टू एक्सप्रेशन है नॉट अ सिंगल एक्सप्रेशन कॉमा के केस में पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व होगा मीन्स एज अ सिंगल मीन्स टोटली पर्टिकुलर केस क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो इसलिए इसको मार्क करा मैं एज अ 6 सीक्वेंस क्या इसका 6 लेकिन 6 टू पार्ट में डिवाइड हुई जैसे सिक्स का फर्स्ट केस है देन इसको कंसिडर करें सिक्स का सेकंड केस सिक्स थे वन के केस में आई में क्या आसान होगा वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 0 देन सेकंड केस टेस्ट करें सिक्स का सेकंड पार्ट प्रिंट एफ से डिस्प्ले कराएं वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू 0 इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ ऑल्सो 0 इस फाइनली सिक्स केस कंप्लीट होने के बाद सेवन्थ केस क्या हुआ अगेन कंडीशन टेस्टिंग आई प्लस प्लस आई का ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुका है 0 पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट आई बिकम्स 1 रिप्लेस क्या हुआ 0 0 मीन्स कंडीशन फॉल्स है कर्सर बाहर आएगा सीक्वेंस क्या सेव करेंगे जस्ट बाद 8 आउटपुट क्या प्रिंट होगा ओनली सिंपली एज 0 दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम